10 जून को बलौदा बाजार में हुए विशेष समुदाय के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने अब तक 138 लोगों की गिरफ्तारी की है। इसे लेकर अब कांग्रेस पुलिस और बीजेपी शासन पर गंभीर आरोप लगा रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि हिंसक घटना के बाद पुलिस निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर रही है। पुलिस रैली में शामिल होने वाले लोगों के परिवार को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाए है कि पुलिस ने जिन लोगों को रिमांड पर लिया है उन्हें भूखा रखा जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम लें। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिन लोगों को पुलिस ने रिमांड पर लिया है उन पर मानसिक दबाव डाला जा रहा है, उन्हें भोजन नहीं दिया जा रहा है, सतनामी समाज के लोगों के साथ गाली गलौज भी किया जा रहा है, गुरु घासीदास बाबा जी का अपमान किया जा रहा है, गंदी गालियां भी दी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि पुलिस किशोर नवरंगी को रिमांड पर लेकर लगातार उनके साथ मारपीट कर रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि पूरी प्रक्रिया जो चल रही है इसको रोकने के लिए जहां भी आवश्यक होगा वहां हम जाएंगे, राज्यपाल से भी मिलकर इस बात की शिकायत की जाएगी। सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। विरोधपुरी के मकुनी गांव में 15-16 मई को जैद खाम को क्षति पहुंचाया गया था। उसके बाद लगातार धरना प्रदर्शन और 10 तारीख को बलौदा बाजार में जो प्रदर्शन हुआ था, उग्र प्रदर्शन हुआ था, उसमें कुछ असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने वाहनों को जलाया, कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय को जलाया, आबकारी विभाग को जलाया और उसके बाद पुलिस का आतंक उसी समय से शुरुआत, दौड़ा दौड़ा के पीटना, जो भी सफेद कपड़े पहने थे उसको मारना पीटना, भूरम पिटाई करना, शरीर से चमड़ी निकल जाने के हद तक के पिटाई की गई। हम लोग भी 14 तारीख को गए थे, प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष सिंह सब विधायक सब गए थे और उस समय लोगों ने बताया कि घर घर में जाके पुलिस मारपीट भी कर रही है और बेवजह तंग भी कर रहे हैं। उस समय भी हमने पत्रकारों से ये कहा था कि जो वास्तविक में अपराधी हैं उसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन जो निरपराध हैं उनको किसी प्रकार के पुलिसिया प्रताड़ना नहीं किया जाए। और लगातार इस प्रकार से घटनाएं हुई, हम लोगों ने कुछ सवाल उठाए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए, मैंने कुछ सवाल किए थे कि जो जय खाम जिन्होंने काटा, जो पुलिस जो कह रही है उसका जो मालिक है, जो ठेकेदार है वो भारतीय जनता पार्टी के, जो टेंट लगाया वो भारतीय जनता पार्टी के, जो भोजन की व्यवस्था किया वो भारतीय जनता पार्टी के, जो एसपी और कलेक्टर थे समाज के लोगों के साथ मीटिंग कराने वाले भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष पूर्व विधायक सनम जांगड़े सहित सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अब तो समाचार पत्रों में ये भी आना शुरू हो गया कि आयोजन जो भोजन की व्यवस्था है वो शासकीय तौर पे किया गया था। मैं तो यही सवाल किया था, 15,000 लोगों भोजन ने किया जी। तो ये भी आ गया है कि किस अधिकारी के कहने से किस अधिकारी ने व्यवस्था की, इसकी भी जानकारी आ चुका है। अब आज किशोर नवरंगे जो आयोजन करता में से एक है वो पुलिस रिमांड पे है, उसके पिताजी, उसके भाई और उसके जीजा जी के साथ तो सतनामी समाज के लोग उससे मिलने आए और उन्होंने मुझे एक आवेदन दिया है और उस आवेदन में कुछ गंभीर बातें कही गई है। एक तो उसके साथ मारपीट की जा रही है, मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, उसको भोजन नहीं दिया जा रहा है और गाली गलौज कर रहे हैं। ये बातें तो है, लेकिन उससे जो गंभीर बात है उसमें ये है कि वो कह रहे हैं कि तुम कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम ले दो तुमको छोड़ देंगे, सबसे गंभीर बात। और उससे गंभीर बात ये है कि उसे वहां कलेक्ट्रेट ले जाते हैं रोज शाम को और उसके बाद उसको वीडियोग्राफी करते हैं, उसके हाथ में पत्थर पकड़ाया जाता है, उसे ठिकवाते हुए उसके डंडा पकड़ाते हैं, उसे मारते हुए उसको वीडियोग्राफी कर रहे हैं। तो ये उसके साथ जो बातें कही गई, जो आयोजन आया है, ये दो बात बहुत गंभीर है कि सरकार खुद षड्यंत्र कर रही है और तह तक नहीं जा रही है। अभी तक के जो समाज की जो डिमांड है कि जैद खान को किसने क्षति पहुंचाई उस पर पुलिस जांच नहीं कर रही, बल्कि अब इस घटना को दूसरे दिशा में ले जाने के लिए जो षड्यंत्र किया जा रहा है, कांग्रेसी नेताओं का नाम लो,
इस प्रकार से सरकार में बैठे हुए लोगों के दबाव में पुलिस इस प्रकार से जो कृत्य कर रही है वो घोर निंदनीय है। निष्पक्ष जांच होना चाहिए और इस प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। और जो अभी पुलिस जिस प्रकार से स्टोरी बना रही है कि उसे ले जा रहे हैं आक्रोशित मुद्रा में, उसे डंडा पकड़ा के उसके साथ फेंकवाया जा रहा है, पत्थर फेंकवाया जा रहा है, ये बेहद ही गंभीर मामला है। इस प्रकार की जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके अधिकारी और पुलिस के लोग इस प्रकार से कर रहे हैं, इस प्रकार से कोई कृत्य नहीं किया जाना चाहिए। जो भी अपराधी है वो पकड़ा जाए और जिन्होंने गलत किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, हम आज भी कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार से षड्यंत्र सरकार के द्वारा सरकार में बैठे हुए लोगों के निर्देश पर यदि किया जा रहा है तो बेहद गंभीर मामला, मैं इसकी निंदा करता हूं और ये चेतावनी भी देता हूं कि इस प्रकार के कोई षड्यंत्र न करे। इतने बड़े हादसा को दूसरी दिशा ले जाने की जो उसी षड्यंत्र किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए।